It's time to leave the road behind. It's time to leave the road behind. It's hoping that a path will cross again someday. दोस्तों, AI के साथ जो हम लोग पहले सोच भी नहीं सकते थे, अभी ये सबके पास अवेलेबल हो चुका है। आज हम लोग ऐसा एक सॉफ्टवेयर लेके डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके साथ जैसा आपका मन चाहे वैसा वोकल्स जनरेट कर सकते हैं। अगर आप खुद अच्छे गा नहीं सकते हैं तो आपके डेमोज के लिए आप पूरा जो गाना है AI के साथ गवा सकते हैं। आप मेल वोकल को फीमेल वोकल्स में या फिर वाइस वर्सा इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बहुत ही अच्छे हारमोनीज एंड बैकग्राउंड वोकल जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर की जो कैपेबिलिटीज हैं ये देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि AI के साथ अभी क्या क्या पॉसिबल है। Hi everyone, this is Roy, और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं S Studio के बारे में। Let's get started. So this is the interface of S Studio. आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे टेम्पो का ऑप्शन है। मेरा जो गाने का टेम्पो है वो 92 है, सो आई विल जस्ट टाइप इन 92। 4x4 है और यहाँ पे मेट्रोनोम का ऑप्शन आपको मिल जाता है। फिर यहाँ पे लूप सेट कर सकते हैं आप, और ऑडियो फ्लिप का भी ऑप्शन है, और ऑब्वियसली एक्सपोर्ट ऑडियो का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये जो सेक्शन है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, दिस इज द वर्किंग एरिया। यहाँ पे ये जो ट्रैक है सिंगल ट्रैक, यहाँ पे आप डबल क्लिक करके एक मिडी रीजन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी नोट्स अगर आपको ड्रॉ करना है नीचे, आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आप सेम तरीके से लंबा कर सकते हैं जैसे कि कोई भी और DAW में कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अभी अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो कुछ भी नहीं बजेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंगर को सिलेक्ट नहीं किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे सिंगर्स हैं, दीज आर ऑल रॉयल्टी फ्री। कोई भी सिंगर्स को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रैक करूँगा। अभी अगर आप प्ले करते हैं तो यहाँ पे ये रेंडर होने पे थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। अभी अगर आपको यहाँ पे कुछ भी लिरिक्स लिखना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके उसको लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए ये सिर्फ इंग्लिश, जापानीज आई थिंक और चाइनीज ये सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे जो सिंगर्स हैं यहाँ पे इसका लैंग्वेज क्या है, ये ऊपर में यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारे जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, तो आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। सिंगर के हिसाब से इसका गाने का जो टेक्निक है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ये चेंज हो जाता है। इसके पहले जो सिंगर था उसके एंड में वाइब्रेटो नहीं था, इस सिंगर में यहाँ पे वाइब्रेटो है। अभी देखिए ये कितना एडवांस्ड है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आप फोनिम्स को एडिट कर सकते हैं। फोनिम्स क्या होता है कि कोई भी लैंग्वेज में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे सिलेबल्स होते हैं जिसके साथ हम वर्ड्स को डिजाइन करते हैं। जैसे कि इंग्लिश में अगर आप देखते हैं जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो कोई भी सिलेबल के शुरुआत में रहता है, और उसके बाद जो वावल्स हैं वो रहते हैं। तो वो जो वावल्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर द फोनिम्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये सारी लैंग्वेज के लिए डिफरेंट हैं। जो फोनिम लिस्ट हैं वो A Studio के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखिए कैसे आप इसको बहुत अच्छी तरह से एडिट कर सकते हैं। कि जनरली क्या हम लोगों का परसेप्शन रहता है कि अगर AI वोकल हैं तो शायद उसमें एक्सप्रेशन नहीं होगा, वहाँ पे जो इम्परफेक्शंस हैं वो नहीं होंगे। यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, मैनुअली जो पिच हैं वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए अगर आपका यू ऐसे सीधा लग रहा है, आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर ऐसे लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आप पिच को ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आप पिच का जो इम्परफेक्शंस हैं इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रिमोलो अगर आप लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे, मगर अगर मैं क्लिक करता हूँ थोड़ा सा सामने लेके आता हूँ, तो ट्रिमोलो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो ट्रिमोलो को मैं थोड़ा और कम करना चाहूँगा, जो पहले था वैसा ही कर देता हूँ। अभी नीचे देखिए यहाँ पे एयर का ऑप्शन है, ब्रीदिंग का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कोई भी दो वर्ड्स के बीच में ब्रीद डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। हम लोग जब गाते हैं तो गायकी में एयर का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा रहता है। तो जितना आप इसको नीचे की तरफ लेते हैं उतना ज़्यादा एयरी आपका वॉइस होता जाता है। वर्ड बाय वर्ड आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए शुरुआत में मैं थोड़ा सा इसको एयरी रखना चाहता हूँ, फिर जाके मैं जो नॉर्मल टेंशन है, नॉर्मल जो एयर है वही रखना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं फॉल्सेटो ऐड कर सकते हैं, तो आपके गाने का थोड़ा सा पतला वॉइस चाहिए, थोड़ा सा हैवी वॉइस चाहिए, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ पे टेंशन आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड का जो एनर्जी है कितना जोर से होगा कितना सॉफ्टली होगा वो सब आप यहाँ पे टेंशन एनर्जी से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैं FL Studio में जाना चाहूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा वोकल यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। ये ऐसे ही मैंने अभी कंपोज किया है, ऐसे ही मैंने लिरिक्स लिख दिए हैं, सो डोंट जज इट दैट मच। To leave the road behind.
Hoping our path will cross again someday. अगर आप इसको फीमेल वोकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोई भी और वोकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर आप खुद अच्छे से गा नहीं सकते हैं तो कुछ भी करके आप रिकॉर्ड करके उसको बहुत अच्छा वोकल कर सकते हैं. सो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस. कि ये जो दो ट्रैक्स हैं, एक गिटार का ट्रैक और एक वोकल ट्रैक, इसको मैं इंडिविजुअली एक्सपोर्ट कर देता हूँ. तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे जो एकॉस्टिक ट्रैक हैं इसको मैं ऑडियो ट्रैक में ऐड कर सकता हूँ, और मेरा जो वोकल है इसको मैं वोकल ट्रैक में ऐड कर सकता हूँ. जैसे मैं ट्रैक करता हूँ, डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो आप जो लैंग्वेज है इसको ऑटो डिटेक्ट कर चुका है इंग्लिश. अगर कोई और है आप चेंज कर सकते हैं. तो एस स्टूडियो क्या करेगा कि ये जो ऑडियो है इसके साथ वो एक मेडी क्लिप जनरेट करने की कोशिश करेगा. तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट में क्लिक कर देता हूँ. नीचे आप देख सकते हैं सारी जो लिरिक्स हैं और सारी जो पिच हैं इसने ऑलरेडी डिटेक्ट करके दे दिया है. तो देखिए अभी ये जो मेरे पास वोकल्स थे ये एक मेल वोकल्स थे. अभी अगर मुझको इसको फीमेल वोकल में ट्रांसफॉर्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सिंगर को देखिए ऑलरेडी मैंने चूज ही करके रखा है. तो मेल फीमेल वोकल्स जो होते हैं इसके जो पिच हैं आप मेल वोकल से एक ऑक्टिव ऊपर लेके जा सकते हैं. यहाँ पे नोट सिलेक्ट का ऑप्शन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, फिर सारा जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं एक ऑक्टिव ऊपर लेके जा सकता हूँ शिफ्ट प्लस आप से. तो देखिए अभी ये जो है ऊपर के ऑक्टेव में बजेगा और फीमेल वोकल के लिए बिल्कुल बिल्कुल सुइटेबल हो. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर हो चुका है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि इसको थोड़ा सा नीचे की लाने की कोशिश करते हैं. It's time to leave the world behind. Hoping our path will cross again someday. यहाँ पे और एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि अगर आप एक नया वॉइस जनरेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. अभी ये जो दो वोकल्स हैं इसके बीच में आप ब्लेंड कर सकते हैं. थोड़ा सा मैं यहाँ पे ज्यादा वॉइस को ईयरी रखना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे ईयरी करता हूँ. और फॉर्मेट जो है मुझे थोड़ा सा हाई फॉर्मेट चाहिए, तो फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा हाई कर सकता हूँ यहाँ पे. It's time to leave the world behind. अगर ये हो जाता है तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत आपके कुछ चेंजेस हैं वर्ड्स में वो आप कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे रोड होगा वो रोइन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोनिम्स हैं वो बिहाइंड दिखा रहा है, बिहाइंड. It's time to leave the world behind. Hoping our path will cross again someday. यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं. मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आप हारमोनी जनरेट करना चाहते हैं तो, या फिर डबल्स जनरेट करना चाहते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे ट्रैक के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि क्रिएट वोकल डबल्स फ्रॉम फॉर दिस ट्रैक. इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिमिलरिटी कितना चाहिए, तो 79% ठीक है. तो मैं क्रिएट कर देता हूं इसको. It's time to leave the road behind. और इससे अगर आप चाहते हैं कि हारमोनी जनरेट करना वो भी आप कर सकते हैं. देखिए ये सारे जो है ना ये ट्रैक के जो पैनिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो आप यहाँ पे जाके इसको सेंटर में ला सकते हैं. वैसे डबल्स के लिए तो लेफ्ट राइट चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसको चेंज भी कर सकते हैं. ये वाले ट्रैक में अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये सारे जो नोट्स हैं, तो मैं क्या करूँगा इसको सिंपली सिलेक्ट कर सकता हूँ. और अगर मैं गा का हारमोनी चाहता हूँ, It's time to leave the road behind. तो कोई भी नोट अगर उल्टा पुल्टा जा रहा है तो उसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं. इससे बेटर हारमोनी जनरेशन का टूल आपको It's और कहीं पे नहीं मिलेगा. to leave the road behind. Hoping that path will cross again. जैसे कि देखिए अगेन जो है someday. ये जो है यहां पे करना चाहूंगा मैं. अभी अगर आप इसके साथ मिक्स करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसको FL स्टूडियो में आप यूज कर सकते हैं. तो मैं ऑल इंडिविजुअल ट्रैक्स में कर देता हूं. मोनो चैनल्स और 16 बिट ऑडियो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ. अगर आप चाहते हैं 24 बिट भी कर सकते हैं. आई विल जस्ट एक्सपोर्ट इट. इट्स टाइम टू लीव द वर्ल्ड बिहाइंड.
जो हारमोनी है ये मैं सिर्फ लास्ट में ही देना चाहूँगा, इसको मैं बीच बीच में स्विंग करता रहूँगा। तो आप देख सकते हैं जो मेरा पहला वोकल था वो था कुछ ऐसा। It's time to leave the road behind. AI की हेल्प से आप एक मेल वॉइस को फीमेल वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या फिर कोई भी वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसके साथ डबल्स जनरेट कर सकते हैं और हारमोनीज भी जनरेट कर सकते हैं, जो कि सारा मैंने यहाँ पे यूज किया है। आप देख सकते हैं अभी ये सुनने में कैसा लग रहा है। It's time to leave the world behind. Hoping that a path will cross again someday. तो ये है दोस्तों एआई का मैजिक। एज स्टूडियो एज अ सॉफ्टवेयर बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, अगर आप चाहते हैं तो इसका फ्री ट्रायल आप अवेल कर सकते हैं, और अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप मंथली बेसिस पे ईयरली बेसिस में आप इसका जो मेंबरशिप है इसको परचेस कर सकते हैं। दिस इज रियली अ माइंड ब्लोइंग सॉफ्टवेयर, खास करके अगर आप वोकल्स के साथ ज्यादा काम करते हैं, अगर आप एकुस्टिक जॉनर में काम करना चाहते हैं तो वोकल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। और जनरली क्या होता था, बहुत कॉस्टली VSTs आते हैं जिसके साथ आप बैकग्राउंड वोकल्स जनरेट कर सकते हैं या फिर वोकल लेयर्स वोकल टेक्सचर जनरेट कर सकते हैं। ए स्टूडियो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दोस्तों जिसके साथ अब इतने अच्छे से बैकग्राउंड वोकल्स और हारमोनी जनरेट कर सकते हैं जो कि और कोई भी वोकल्स के साथ नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप खुद अच्छा नहीं गा सकते हैं तो आप AI के साथ पूरा गाना गवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका कस्टम वोकल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और उसको सीख के कोई भी लैंग्वेज में उसके जैसा गाना आप बना सकते हैं। दैट वॉज अ ट्यूटोरियल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड कीप प्रोड्यूसिंग। Cross again someday.